तो गाइस बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का, और आज हम जा रहे हैं ईद की नमाज़ पढ़ने। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद देता हूं मैं आप लोगों को, क्योंकि मैंने सब जामा मस्जिद का आपको कवर किया पुराने दिल्ली का, और आज मैं आपको जहां का मैं रहने वाला हूं, मेरा होम टाउन, आज मैं आपको वहां का आज हम ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं, और मैं वहाँ पर कुछ लोगों से बात भी करूँगा। और मेरे को बहुत अच्छा लगा, पूरी जामा मस्जिद मैंने कवर की, पूरे रमज़ान मैंने कवर किए, कैसे इफ्तारी करते हैं जामा मस्जिद में, वो मैंने आपको सब कुछ बताया। और आज हम सीधा चलते हैं ईदगाह में, ईद की नमाज़ वहाँ पर अदा करेंगे, और उसके बाद हम कुछ लोगों से वहाँ पर बात भी करेंगे कि भाई ईद की नमाज़ अदा करी है उन्होंने 2 साल के बाद। कोरोना की वजह से 2 साल हम ईद की नमाज़ ईदगाह में नहीं पढ़ पाए थे, और आज हमें 2 साल के बाद हमें फिर से मौका मिला है नमाज़ पढ़ने का ईद की नमाज़ में, जो कि कोरोना की जैसा कोरोना चल रहा है उसकी गाइडलाइंस के मुताबिक हमें नमाज़ पढ़ने का, नमाज़ अदा करने की वापस मतलब मौका मिला है, क्योंकि सरकार ने कुछ चीज़ें अलाउ नहीं किए हैं, जैसा कि मस्जिद के बाहर नमाज़ पढ़ना, मस्जिद की जो बाउंड्री है उसके बाहर हम नमाज़ अदा नहीं कर सकते, तो उन सब चीज़ों का भी ख्याल रखा जाएगा। और अब हम आपको दिखाएंगे सीधा जामा मस्जिद में, और बाकी लोग आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी आ रहे हैं, और वहाँ पर भी हम आपको जा करके दिखाने वाले हैं, क्योंकि ये मेरे को काफ़ी एक अच्छा मौका मिला है जिसमें मैं आप लोगों से शेयर कर सकता हूँ कि भाई ईदगाह में हम ईद की नमाज़ कैसे पढ़ते हैं, वो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आज की वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग भी होने वाली है, तो बने रहें वीडियो में तक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से मतलब यहाँ पर लोग मतलब ईदगाह की तरफ बढ़ रहे हैं, और मैं आज आपको कंप्लीट दिखाने वाला हूँ कि भाई क्या प्रक्रिया है नमाज़ की, क्या क्या प्रोसेस रहता है नमाज़ का, वो भी मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रशासन की भी मतलब पूरी यहाँ पर पूरी मतलब सेफ्टी के द्वारा यहाँ पर दिखाया गया है, बनाया गया है, वो आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर भीड़ लगी हुई है काफ़ी, और धीरे धीरे लोग आगे बढ़ रहे हैं, वो भी मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ अंदर, और लोग आगे की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, वो मैं आज आपको कवर करके दिखाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। और अंदर का जो पूरा एरिया है वो मैं आज आपको कवर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, काफ़ी लोगों से हम यहाँ पर बात करेंगे, वो भी मैं आपको आज बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पर, और लोग नमाज़ अदा करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि नमाज़ का जो ईदगाह का जो समय है वो 8:30 का है, और अभी 7:45 हो चुके हैं, और यहाँ पर लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, और 15 से 20 मिनट अभी समय बचा है नमाज़ में, और वो आप देख सकते हैं। और मैं आज आपको आगे का भी दिखाने वाला हूँ, सारा कंप्लीट प्रक्रिया आपको दिखाने वाला हूँ किस तरह से यहाँ पर लोग जा रहे हैं, तो आप इधर भी देख सकते हैं लोग बढ़ रहे हैं आगे की ओर, ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। और आगे अनमोल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं सबसे पहले तो तमाम क्षेत्रवासियों को, तमाम कस्बा वासियों को जो है ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और ये जो त्यौहार है ये आपसे सौहार्द, आपसे एकता के साथ हम मनाएं, ये संदेश मैं आपके माध्यम से देना चाहूँगा। और आप सिक्योरिटी यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉपर, कितनी सिक्योरिटी का यहाँ पर इंतज़ाम किया हुआ है वो भी आप देख सकते हैं, और यहाँ से किस तरह से लोग अंदर एंट्री हो रहे हैं वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, और मैं आपको अंदर का भी दिखाने वाला हूँ कि क्या प्रोसेस होता है अंदर का, कैसे लोग यहाँ पर बैठते हैं, वो भी मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। ये पूरी ईदगाह की प्रॉपर्टी है, आप यहाँ से लेकर के वहाँ तक देख सकते हैं, ये पूरी ईदगाह की प्रॉपर्टी है। और अब हम आपको अंदर से भी दिखाने वाले हैं कि ईदगाह का कितना बड़ा एरिया है, कितना बड़ा यहाँ पर स्पेस है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना, क्योंकि ईद का त्यौहार है भाई, साल में एक बार आता है, रमज़ान की हमने आपको पूरी प्रक्रिया दिखाई है कि किस तरह से लोगों ने ईद के जो रमज़ान होते हैं पूरे रोजे रखते हैं लोग, उनकी जो जायज़ तमन्ना है वो पूरी होती हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग जब ईदगाह की बाउंड्री तक ऑलमोस्ट लोग पहुँच चुके हैं, और मैं आपको और भी प्रोसेस यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना। बहुत लोगों ने यहाँ पर बैनर्स वगैरह लगाए हुए हैं, वो भी देख सकते हैं आप। और यहाँ से एंट्रेंस शुरू होता है, और यहाँ पर हमारे हाजी राव जमशेद जी भी खड़े हैं, हम एक बार उनसे भी बात कर लेते हैं। ईद बड़ा मुबारक दिन, 30 रोजे रखने के बाद ईद आती है, और अल्लाह ताला इसका इनाम ईद वाले दिन देता है, और ये बहुत ही भाईचारे और प्यार का त्यौहार है। ईद हिंदू मुस्लिम भाईचारे का त्यौहार है, और बड़ा अमन का त्यौहार है, हम सबको अमन के साथ ये त्यौहार मिल के मनाना चाहिए, ये मेरी
सभी मुल्क वालों से अपील है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई, और आप यहाँ पर माशाल्लाह चहल पहल देख सकते हो कितनी हो रही है, और यहाँ पर जो हरे भरे पेड़ हैं पर वो भी आप देख सकते हैं, और माशाल्लाह यहाँ पर बहुत अच्छा जी लगता है, क्योंकि ये ईद की मैं अगर पूरे एक साल की बात करूँ तो बकरा ईद और ये ईद उल फितर, मतलब दो बार यहाँ पर ईद की नमाज़ पढ़ाई जाती है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं माशाल्लाह कितना अच्छा माहौल है यहाँ पर, कितने हरे भरे यहाँ पर पेड़ लगाए हुए हैं, और कितना अच्छे से यहाँ पर इंतज़ाम किया हुआ है वो भी आप देख सकते हैं इसके अंदर। यहाँ पर देख सकते हैं भाई, ये पूरी बाउंड्री है पूरे ईदगाह की, और यहाँ पर धीरे धीरे से लोग आ रहे हैं, और क्योंकि जो नमाज का जो समय है वो 8 बजे का है, और अभी लगभग 10 से 12 मिनट अभी बाकी हैं, तो लोग यहाँ पर धीरे धीरे आ रहे हैं, और आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी काफ़ी स्पेस इधर से खाली है, और धीरे धीरे लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं भाई पेड़ यहाँ पर लगे हुए हैं, और पेड़ पर आम भी आ रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं। और अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ पर वजू करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है पूरा वजू खाना जहाँ पर लोग वजू करते हैं, और आप देख सकते हैं काफ़ी जो वहाँ से लेकर के पूरा एंड की जो बाउंड्री है वहाँ से लेकर के और यहाँ इधर तक आप देख सकते हैं यह पूरा वजू खाना है, यहाँ पर लोग वजू करते हैं। वजू जब हम नमाज़ पढ़ते हैं उससे पहले हमारा एक प्रोसेस होता है, नमाज पढ़ने से पहले एक वजू का एक प्रोसेस होता है जिसमें हम प्रॉपर जिसमें कुल्ला करते हैं, नाक में पानी पहुँचाते हैं, अपने चेहरे पे हम पानी पहुँचाते हैं, हाथ धोते हैं, पैर धोते हैं, वो एक प्रॉपर है एक हमारा प्रोसेस होता है जिसको हम वजू बोलते हैं। और अभी यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी स्पेस यहाँ पर खाली है, ये पूरा स्पेस यहाँ पर भर जाएगा वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह। और धीरे धीरे यहाँ पर लोग आ रहे हैं क्योंकि समय थोड़ा कम बचा है, तो इस वजह से लोग आ रहे हैं धीरे धीरे से। और एक चीज़ और भी है जो कोरोना की गाइडलाइंस हैं, कोरोना की जो गाइडलाइंस है वो ये है कि मतलब जो मस्जिद का जो एरिया है, जो ईदगाह का जो एरिया है, इससे बाहर ना लोग नमाज़ पढ़ें। तो कोशिश कर रहे हैं लोग कि जो आसपास की जो मस्जिदें थी कुछ लोगों ने वहीं पर ही अदा कर ली थी, लेकिन कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर आने की, वो आप यहाँ पर धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, और आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई लोग धीरे धीरे यहाँ पर आ रहे हैं, और काफ़ी लोग यहाँ पर सफ़ों में बैठ चुके हैं, और कुछ लोग और यहाँ पर अभी आ रहे हैं धीरे धीरे, तो उन लोगों को भी यहाँ पर काफ़ी जगह, वैसे अभी यहाँ पर काफ़ी स्पेस है यहाँ पर, आप लोग यहाँ पर मतलब सभी लोग आराम से बैठ सकते हैं। और अगर मैं इसी पूरी प्रॉपर्टी की बात करूँ तो ये पूरा इनका प्रॉपर्टी का इधर भी जो इनकी जो खेती बाड़ी हो रही है यहाँ पर, ये पूरा हमारा ईदगाह के अंदर आता है, वो जो स्कूल आप देख रहे हैं ईदगाह इस्लामिया स्कूल, वो सारा ईद की प्रॉपर्टी में आता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी लोग यहाँ पर धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, और सब मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पर देख सकते हैं फुल हो चुकी है, आगे की लास्ट की 8 से 9 यहाँ पर सब बची हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और लोग यहाँ पर थोड़ा आराम आराम से धीरे धीरे से मतलब लोग अंदर की तरफ आ रहे हैं, मैं आपको काफ़ी दिखाने की कोशिश करूँगा, और अंदर का काफ़ी स्पेस यहाँ पर बढ़ चुका है वो भी आप देख सकते हैं, और ये आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेस यहाँ पर बढ़ चुका है। और उधर जिधर से मैंने वजू करी थी उस तरफ अभी लोग धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, बाकी इधर से आप देख सकते हैं काफ़ी लोग यहां पर पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट। 50 रुपये एक बार की ज़मीन 11.5 बीघे जो डॉक्टर हरून के नाम से दी है, वो 60,000 रुपये पहले आए थे, 38,900 रुपये बाद में आए। ईदगाह की डोरियों की गोभी छुट्टी निफाजत खां के नाम जो रोग आ गया था 12,000 रुपये में उनके नाम छुटे थे। लकड़ी 4.5 क्विंटल ईदगाह के कोठे में पड़ी थी, 2,500 रुपये 500 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से 2,250 रुपये की लकड़ी, 2.5 क्विंटल 400 रुपये क्विंटल के हिसाब से गई 1,000 रुपये की। आम के बाद की गोभी छुट्टी भाई आलम साहब को 30,000 रुपये की, जिसमें उन्होंने 5,000 रुपये जमा कराए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं भाई काफ़ी स्पेस इधर का बढ़ चुका है, और यहाँ पर पीछे लोग आ रहे हैं धीरे धीरे वो आप देख सकते हैं, क्योंकि उस साइड का एरिया अभी काफ़ी खाली है वो मैंने आपको दिखाया था, लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे लोग बढ़ रहे हैं आगे की ओर, ये आप देख सकते हैं क्योंकि काफ़ी एरिया है अभी यहाँ पर, वो भी मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ, और कंप्लीट जब यहाँ पर हम लोग निकलेंगे वो भी मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। वो 20-25 रुपए की वो अब्बू के इंतकाल के बाद मैंने दी
पप्पू के टाइम पे नहीं गई भाई। इस बार आम की फसल डॉक्टर हारून साहब ने खरीदी 2700 रुपए में। भाई इसबार अरुण के साथ साहब को जो उनकी हजिया ने ईदगाह के चंदे में दिए 50 रुपए। ईदगाह का हिसाब वगैरह भी आपको समझा दिया। ईद की नमाज चूंकि साल भर में वही मरतबा होती है और इस मरतबा तो काफी अरसे के बाद ईदगाह में दोबारा रौनक बहाल हुई है। बहरहाल ईद की नमाज की तरकीब सुन ले। दो रकात नमाज ईद उल फितर, नियत बदला रहा हूँ दो रकात नमाज। आपसे मेरी बार बार ये दरख्वास्त है कि कोई भी सड़क पर नियत ना बांधे, सरकार के कोई भी नियम का पालन करे, वो कोई भी नियम का ऐसा ना करे कि हमारे में बात आए बाद में। अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहू अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहू अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहू अकबर वलिल्लाहिल हम्द। الحمد لله المنعم المحسن الديان ذي الفضل والجود والإحسان ذي الكرم والمغفرة والامتنان. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل حين شاع الكفر في البلدان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الدرجات والعصر والغفران. الله أكبر الله أكبر तो यहाँ पर ऑलमोस्ट लोगों ने यहाँ पर नमाज़ पढ़ ली है और उसके बाद अभी यहाँ पर खुतबा चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी पीसफुल से लोग यहाँ पर बैठे हैं, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। और अभी खुतबा हो रहा है, बाकी यहाँ पर अभी खुतबे के बाद यहाँ पर लोग आराम से निकलेंगे बाहर, वो भी मैं दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये देखिए, इस मुबारक पर्व पर मैं सभी नगरवासियों क्षेत्रवासियों को अपनी तरफ से तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ और हम सब पर जो है ऊपर वाला खुदा जो है अपनी नज़र इनायत रख के देश में जो भी महामारी है वो दूर करे और देश को हमेशा अमन चैन और तरक्की पर जो है हमें पहुंचाए। तो आप यहां पर देख सकते हैं लोग मतलब नमाज़ अदा कर चुके हैं और धीरे धीरे यहां पर लोग धीरे धीरे यहां से बाहर निकल रहे हैं। और आप देख सकते हैं कितनी पीसफुल यहाँ पर नमाज़ अदा हो चुकी है। और ये 2 साल कोरोना की हो चुके थे और तीसरी साल मतलब 2 साल कोरोना की वजह से यहाँ पर नमाज़ नहीं हुई थी और यहाँ पर तीसरे साल माशाल्लाह नमाज़ अदा करी गई है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी पीसफुल यहाँ से लोग निकल रहे हैं और आप देख सकते हैं कितने आराम से। और यहाँ पर प्रशासन की भी यहाँ पर फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है और आप देख रहे हैं धीरे धीरे यहाँ पर लोग निकल रहे हैं और ये देख सकते हैं आप। तो खुतबा यहाँ पर हो चुका है और आप यहाँ पर लोग निकलना शुरू हो गए यहाँ से बाहर और आप देख सकते हैं धीरे धीरे लोग बाहर निकल रहे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। और ये पूरा नज़ारा है यहाँ का माशाल्लाह, जो हमारी ईदगाह है, काफ़ी लोग यहाँ पर काफ़ी हज़ारों लोगों की तादाद में यहाँ पर लोग नमाज़ पढ़ रहे थे। बहुत आराम से यहाँ पर लोगों ने नमाज़ पढ़ी है, कोई किसी तरह का कोई हल्ला गुल्ला नहीं था, बहुत पीसफुल यहाँ पर नमाज़ पढ़ी है लोगों ने। और अभी धीरे धीरे लोग नमाज़ पढ़ के ईदगाह से लोग बाहर निकल रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। ईदगाह से लोग यहाँ पर बाहर निकल रहे हैं बहुत पीसफुली और आप यहाँ पर देख सकते हैं। और आगे हम मतलब पूरा हम आपको नज़ारा दिखाने वाले हैं, ये आप देख सकते हैं कितनी मतलब साइलेंटली लोग आराम से यहाँ से निकल रहे हैं। और जिस तरह से कोरोना की
गाइडलाइंस थी वो सभी इन्होंने प्रॉपर फॉलो करी हैं। यहाँ पर जैसा उनके कुछ गाइडलाइंस थी कि ईद की जो बाउंड्री है उसके बाहर यहाँ पर नमाज़ नहीं होगी, तो वही मतलब यहाँ पर रूल को फॉलो किया गया है, वही गाइडलाइंस यहाँ पर फॉलो की गई हैं। लोग बाहर नमाज़ नहीं हुई है, जो भी नमाज़ हुई है बाउंड्री के अंदर हुई है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं खुतबा हो चुका है और लोग यहाँ से धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। एक गेट उसका पर्ली साइड में है, लेफ्ट राइट साइड में, और एक ये हमारा एक ये राइट साइड में है और वो हमारा लेफ्ट साइड में है, वो भी आप देख सकते हैं। और लोग यहाँ से धीरे धीरे निकल रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई, काफ़ी धीरे धीरे से लोग यहाँ पर बाहर निकल रहे हैं, और यहाँ पर प्रशासन का पूरा इंतज़ाम था और लॉकडाउन की भी यहाँ पर प्रॉपर गाइडलाइंस को फॉलो किया गया है, और आराम से यहाँ से बहुत पीसफुली नमाज हुई है। यहाँ पर बहुत अच्छे से माशाल्लाह नमाज को पढ़ाया गया है, और यहाँ से अब लोग धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं, वो आप देख सकते हैं। मैं आपको कुछ और विजुअल्स दिखाने की कोशिश करूँगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग ईदगाह की जो बाउंड्री है उससे मतलब ईदगाह से बाहर निकल रहे हैं यहाँ से दो लोग धीरे धीरे, ये आप देख सकते हैं। और ये पकौड़ी की दुकान है, यहाँ पर भीड़ लगी हुई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी यहाँ पर भीड़ लगी हुई है, वो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी जो हमारी ईदगाह है वो काफ़ी बड़ी है, और यहाँ पर बहुत लोग कस्बे के तो आते ही आती हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर जो हमारे आसपास के जो गांव लगते हैं 55 से 56 यहाँ पर गांव लगते हैं, वो लोग भी यहाँ पर नमाज़ अदा करने आते हैं, और प्रॉपर साइलेंटली मतलब नमाज़ पढ़ाई गई है, कोई किसी तरह का कोई हल्ला गुल्ला नहीं था, और प्रॉपर तरीके से यहाँ पर नमाज़ को अदा किया गया है, वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर इस वीडियो के अंदर। और धीरे धीरे यहाँ पर लोग अपने अपने घर की तरफ रवाना हो रहे हैं, क्योंकि अब रवाना होंगे, इसके बाद की जो प्रक्रिया है वो है कि यहाँ पर लोग यहाँ उसके बाद दोस्त यार दोस्त घर पर आएंगे, उनके लिए सवैयाँ बनेगी, और सभी लोगों को सवई अपने हाथों से अच्छे मतलब उसको प्यार मोहब्बत से खिलाया जाएगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर लोग बाहर निकल रहे हैं, ये बहुत अच्छा एक पीसफुल एक मोमेंट मैं इसको कह सकता हूँ, क्योंकि बहुत साइलेंट तरीके से लोग यहाँ से जा रहे हैं, और बहुत अच्छा लगता है जब ईद की नमाज़ और बकरा ईद की नमाज़ साल में 2 बार यहाँ पर ईदगाह में नमाज़ पढ़ाई जाती है, और बहुत यहाँ पर आराम से लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं, वो भी आप देख सकते हैं वीडियो में, और काफ़ी आराम से यहाँ पर लोग बाहर निकल रहे हैं। ये बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे मोमेंट्स में जब लोग साइलेंटली लोग अच्छे से मतलब पीसफुली यहाँ पर लोग बाहर निकलते हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा एक मैसेज जाता है लोगों को। और आई होप आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि कितनी पीसफुली यहाँ पर लोग निकल रहे हैं, वो आप देख सकते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा है मुझे यहाँ पर नमाज़, मैं तो हर साल यहीं पे नमाज़ पढ़ता हूँ, और आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी लोग धीरे धीरे से बाहर निकल रहे हैं, और साइलेंट तरीके से यहाँ से पीसफुल तरीके से यहाँ से लोगों का निकलना हो रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और कितनी भीड़ हो चुकी है ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल लास्ट में अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ, और आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से काफ़ी शानदार तरीके से लोग माशाल्लाह यहाँ पर बहुत आराम से लोग बाहर निकल रहे हैं, वो आप देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी भीड़ यहाँ पर मेरे को नज़र आ रही है, और कहीं ना कहीं डर रहता है एक ऐसा माहौल जैसा चल रहा है कोरोना को लेकर के, और ये डर रहता है कि कहीं एक उल्टा सीधा चीज़ें ना हो जाएं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, प्रॉपर यहाँ पर प्रशासन था, और यहाँ पर सभी तरह से मतलब लोगों ने हेल्प करी है, हर तरह से जिस तरह से कोरोना की जो गाइडलाइंस थी उनको फॉलो किया गया है, उनको प्रॉपर तरीके से फॉलो किया गया है, और मतलब बाहर वो नमाज़ बाउंड्री से बाहर नमाज़ पढ़ने के लिए मना कर रहे थे, तो वही सब मतलब यहाँ पर चीज़ें फॉलो की गई हैं। ये आप देख सकते हैं कितनी साइलेंट तरीके से लोग बाहर निकल रहे हैं, और बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे मोमेंट में सब लोग पीसफुली लोग बाहर निकलते हैं, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी आराम से लोग यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, और बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर आप सामने भी बोर्ड देख सकते हैं ईदुलफ़ितर का, जो हाजी राव जमशेद हैं उनका आप बोर्ड देख सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर जितने भी चेयरमैनी पद के जो उम्मीदवार हैं सब लोग यहाँ पर अपने अपनी प्रचार करते हैं प्रसार करते हैं। बाकी आप भीड़ देख सकते हैं यहाँ पर कितनी हो रही है, और यहाँ पर बहुत लोग यार दोस्त भी हमारे निकल रहे हैं माशाल्लाह, क्योंकि मैं इधर का ही रहने वाला हूँ तो मुझे यहाँ पर बहुत लोग जानते भी हैं, तो वो आप देख सकते हैं भाई, और काफ़ी लोग काफ़ी दूर दूर से हाथ हिला रहे हैं। ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं जब ऐसे मोमेंट पे जब नमाज़ पढ़ के बाहर निकलते हैं और प्रॉपर तरीके से लोग नमाज़ अदा करते हैं, उसके बाद खुतबा सुनते हैं और फिर यहाँ से लोग बाहर निकलते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी बात लगती है लोगों की। और आप यहाँ पर बहुत भीड़ देख सकते हैं, बिल्कुल लास्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना मतलब यहाँ पर भीड़ है,
और ये पूरी जो जितने भी यहाँ से लोग आ रहे हैं सारे के सारे ईदगाह हैं, ये सब उसके अंदर से ही आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बाहर बिल्कुल भी अलाउ नहीं था कि भाई बाहर यहाँ पर नमाज हो, तो यहाँ पर बिल्कुल अलाउ नहीं था। तो इस वजह से सभी लोग अंदर से हैं, जितनी भी हमारी यहाँ बाउंड्री है ईदगाह की, वो सब नमाज़ पढ़ के लोग बाहर निकल रहे हैं। तो आप यहाँ कर देख सकते हैं कितना अच्छा नज़ारा है, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है ऐसे मोमेंट्स पर जब लोग शांति से पीसफुली यहाँ पर लोग बाहर निकल रहे हैं। और इसके बाद फिर यहाँ पर लोग अपने घर पर जाएंगे, और अपने घर पर जाने के बाद यहाँ से मतलब जो शीर की जो एक प्रक्रिया होती है, सभी भाईचारा होता है जो, वो मतलब उनको पूरा करेंगे। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने माशाल्लाह अच्छे लग रहे हैं सभी लोग, सभी लोगों ने टोपी लगाई हुई है अपने सिर पे, और सभी लोगों ने ऑलमोस्ट मतलब यहाँ पर कुर्ता पहना हुआ है लोगों ने, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी लोगों ने। और कुछ लोगों के हाथ में जानमाज है, वो क्योंकि यहाँ पर कभी कभी होता है कि बैठने का जो जगह है वहाँ पर इतनी बड़ी सफ नहीं होती है, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है तो उस चीज़ को कवर नहीं कर सकती इतनी बड़ी जानमाज। तो इस वजह से यहाँ पर लोग यहाँ पर जानमाज अपने घर से लेके आते हैं, वो भी आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग अपने अपने हाथों में यहाँ पर जानमाज लेके रखे हैं। और आप यहाँ पर भीड़ देख सकते हो भाई कितनी हो चुकी है, मुझे लगता है मुझे भी यहाँ से निकलने में बहुत समय लग जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई, और एक चीज़ और आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं भाई, टोपी आप यहाँ पर देख सकते हैं और कुर्ता पजामा लोगों ने पहना हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि खासकर जो कुर्ता पजामा जो लोग नहीं पहनते, वो खासकर ईद की नमाज़ पे जैसे बकरीद की हो गई या ईद उल फितर की हो गई, तो उसमें लोग खासकर कुर्ता पजामा पहनते हैं। और एक मौका होता है कुर्ता पजामा पहनने का, तो इसमें ऑलमोस्ट लोग कुर्ता पजामा पहनते हैं, वो आप देख सकते हैं। और काफ़ी लोग यहाँ पर आराम से धीरे धीरे से लोग यहाँ पर निकल रहे हैं बहुत साइलेंटली, कोई धक्का मुक्की नहीं है, कोई किसी तरह का कोई हल्ला गुल्ला नहीं है, बहुत साइलेंट तरीके से लोग यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, वो आप देख सकते हैं। और आप कितनी साइलेंट तरीके से यहाँ पर लोग निकल रहे हैं, ये सब चीज़ें देखने की होती हैं कि कितनी आराम से लोग यहाँ पर बाहर निकल रहे हैं, वो सब चीज़ें नोटिस करने वाली बात होती है, कितनी पीसफुल यहाँ से लोग बाहर निकल रहे हैं, वो सब चीज़ें बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि ऐसे मौके पर अगर इंसान हल्ला गुल्ला करेगा तो उससे माहौल ख़राब हो सकता है, माहौल बिगड़ सकता है। और आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट यहाँ पर काफ़ी देर हो चुकी है मुझे वीडियो बनाते बनाते, और यहाँ से लोग धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। और यहाँ पर मैं कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करूँगा कि भाई उनको मतलब उनका क्या मैसेज रहेगा ईद की नमाज़ को लेकर के, ईद को लेकर के 2 साल के बाद लॉकडाउन खुला हुआ है, 2 साल के बाद मतलब यहाँ पर नमाज हुई है, उनको क्या मैसेज रहेगा, वो भी हम लोगों से कुछ लोगों से बात करेंगे। अभी तो यहाँ से जितने लोग निकल रहे हैं उनको भी निकलने देते हैं, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा मुझे इधर पूरी वीडियो शूट करने में, मैं कंप्लीट तो यहाँ पर नहीं दिखा सकता, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पर बाहर निकल रहे हैं, एक साइलेंट तरीके से यहाँ से लोग बाहर निकल रहे हैं, वो आप देख सकते हैं इसके अंदर। और माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है मुझे इस तरह की चीज़ों को कवर करना। और आपने देखा भी होगा मेरे चैनल्स पर लास्ट 1 मंथ में मैंने काफ़ी एक महीने में मतलब मैंने काफ़ी जामा मस्जिद को कवर किया है, मैंने जामा मस्जिद की इफ्तारी मैंने आपको दिखाई, रोज़ा इफ्तार करते हैं वहाँ पे, किस तरह से फैमिलीज़ वहाँ पर आती है वो आपने देखा होगा। और अभी मैं ईद की नमाज़ मैंने पढ़ ली है, यहाँ पर अदा कर चुका हूँ मैं ईद की नमाज़, वो भी मैंने आप यहाँ से काफ़ी कवर किया है, ये भी आप देख सकते हैं। और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई कितनी भीड़ हो चुकी है, अगर मैं इसकी बैक साइड से दिखाऊं, और ये इसका पूरा फ्रंट है, ये देख सकते हैं, ये तो एक साइड है, अगर मैं अपनी ईदगाह की बात करूं तो ये एक साइड से लोग यहाँ पर निकल रहे हैं, इतने ही लोग पब्लिकली इतनी जितनी यहाँ पर आप नज़र आ रहे हैं, इतने ही लोग दूसरी साइड से भी निकल रहे हैं, तीसरी साइड से भी लोग निकल रहे हैं, एक उधर आप देख सकते हैं उस तरफ से भी निकल रहे हैं, और एक दूसरी साइड है उसकी अपोजिट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी वहाँ से भी लोग निकल रहे हैं। और अगर यहाँ पर क्योंकि अब एक ही गली है तो इसी गली में लोग आराम से बाहर निकल रहे हैं, वो आप देख सकते हैं। अभी हम बाइट नहीं ले सकते क्योंकि अगर हम बाइट लेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे लोग साथ इकट्ठा हो जाएंगे, तो मैं बाइट नहीं ले सकता, बाइट में थोड़ा रुक करके लूँगा, लास्ट में लूँगा, कुछ लोगों से मैं बात करूँगा कि भाई उनका क्या कहना है, 2 साल के बाद ईदगाह में नमाज़ पढ़ने का मौका मिला है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी साइलेंट और पीसफुल यहाँ से लोग निकल रहे हैं, वो आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर, आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा आप देख सकते हैं इस वीडियो में। और बहुत अच्छा लगता है ऐसे मौके पर जब सब लोग एक साथ निकलते हैं, और आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी, और काफ़ी लोग मतलब ऑलमोस्ट काफ़ी मतलब जो हमारी ईदगाह है वो अभी खाली हो चुकी है लगभग, और धीरे धीरे लोग यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। एकता का मैसेज है, हिंदू मुस्लिम सब एकता बल के त्यौहार मना रहे, अल्लाह ने राहत दी तो नमाज हुई, और जब अल्लाह नहीं राहत देगा तो कैसे नमाज हुई।
ये अल्लाह का हुक्म है। अब अल्लाह ताला ने इस बीमारी से निजात मिली और पब्लिक को ईद में नमाज पढ़ने की मौका मिला, तो इसीलिए हर आदमी हिंदू मुस्लिम मिलके मोहब्बत प्यार से त्यौहार मना रहा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं लोग धीरे धीरे यहाँ से लोग बाहर निकल रहे हैं और काफ़ी भीड़ है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी पीसफुली यहाँ से लोग बाहर निकले हैं वो आपने देखा। मैंने काफ़ी कुछ आपको दिखाने की कोशिश करी है स्टार्टिंग में, और अभी भी लोग धीरे धीरे यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग से लेकर के यहाँ पर लास्ट तक कंप्लीट दिखाने की कोशिश करी है, और ये पूरा मेन रास्ता है जहाँ से लोग रवाना हो रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आपने देखा मैंने स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक मैंने आपको कवर करने की कोशिश करी, दिखाने की कोशिश करी है कि किस तरह से लोगों ने यहाँ पर नमाज़ पढ़ी है, और यहाँ पर मैंने आपको पूरी प्रक्रिया मतलब मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी है। तो हम अपने व्लॉग को आज यहीं पर एंड करते हैं, और इंशाल्लाह फिर लेकर आऊँगा नया व्लॉग एक नई लोकेशन के साथ। अब तक के लिए धन्यवाद।